अफगानिस्तान लोग तो करते हैं हेट, ये तो हमें भी पता है, क्योंकि लेकिन देखा जाए ना तालिबान के नजरिए से तो तालिबान इतना नहीं हेट करते। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। तो आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया के एक और नए मिक्स एक्शन वीडियो में। सो गाइस, पाकिस्तान को बस हम ही लोग हेट नहीं करते हैं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया ही हेट करती है। इंडिया तो इंडिया, अफगानिस्तान के लोग भी पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, और इस वीडियो में आपको इस बात पर विश्वास हो जाएगा। आज की वीडियो हमारे शुभम भाई की है, जो कि एक बिहार से हैं पर पूरी दुनिया का टूर करते हैं। आप लोग इनको पहले से जानते होंगे, और यह वीडियो तालिबान जब अफगानिस्तान में आ गया था तब की है। तो ये उनका एक्सपीरियंस क्या रहता है अफगानिस्तान में, आप देखकर काफी इंजॉय करेंगे और शौक भी होंगे। जो पाकिस्तान तालिबान के आने के बाद इतना खुश हो रहा था, वहाँ के लोग ही पाकिस्तान को इतना हेट करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही किसी भी वीडियो का मिक्स सेक्शन देखने के लिए आप उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस वीडियो का मिक्स सेक्शन आपके लिए जल्दी इस चैनल पर ले आऊंगा, और ऑल ओरिजिनल चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। क्या पता नहीं अभी IPL में यहाँ से कुछ लोग खेलना स्टार्ट कर देंगे। ओके भाई साहब, खेलने के लिए दे रहे हैं कि मैं यहाँ काइंड ऑफ इंडिया की बेइज्जती करवा के जा रहा हूँ क्या? अफगानिस्तान में फर्क पड़ता है कि आप इंडिया से या पाकिस्तान से? आप भी तालिबान बन गए, मैं भी तालिबान बन गया, मैं कोई स्पाई वगैरह नहीं हूँ। मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज एक नया दिन है, और इस वक्त मैं हूँ जलालाबाद में। आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कल जलालाबाद आने के बाद क्या हुआ था। कल मैं दोपहर के यहाँ पे 2-3 बजे पहुँचा था, और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, मतलब उन्होंने मुझे छोड़ा है रात के 9-10 बजे, और 10 बजे के बाद मैं सो गया, अभी जस्ट सो के उठा हूँ। और ये यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है जलालाबाद, ये भाई क्रिकेट के लिए सबसे मशहूर शहर है, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी क्रिकेटर हैं यू नो अफगानिस्तान से, वो सारे जलालाबाद, मतलब जलालाबाद के आसपास से ही बिलोंग करते हैं। और ये काइंड ऑफ मैच चल रहा था भाई, क्रिकेट का मैच, ये इंग्लैंड की जर्सी में खेल रहे हैं। ये क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पे एक्चुअली 2-3 बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो जरा चलो अंदर जाके देखते हैं, अंदर जाने देंगे क्या? ले भाई ठीक है, सब सुकरन। अच्छा भाई चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है अंदर में क्रिकेट, थोड़ा अगर एक आध यू नो इन प्रोफेशनल क्रिकेटर के साथ थोड़ा एक गली मोहल्ला वाला क्रिकेटर थोड़ा एक दो गेंद खेल ले तो भी अच्छी बड़ी बात होगी। अभी यहाँ पे मैच चल रहा था काइंड ऑफ, और यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। कुछ दिन पहले लाइक अफगानिस्तान, कुछ दिन ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए थे, अभी अफगानिस्तान की क्रिकेट की टीम यहाँ पर आ रखी थी, अफगानिस्तान आई थी जो इंडिया से मैच खेलने के बाद दुबई से इंडिया से हार के, एशिया कप की बात कर रहा हूँ मैं, पता नहीं वीडियो कब आ रही होगी, एशिया कप से मैच खेल के यहाँ पर आई थी। भाई एक देना, एक तो भाई, लेकिन तालिबान ने उनका अच्छा खासा स्वागत किया था यहाँ पे। तो जो मुझे लगता था कि यहाँ पे लाइक पूरी तरह से बैन है यू नो स्पोर्ट्स वगैरह, वो पूरी तरह से सच नहीं है यार। मतलब ठीक है, लोग अभी भी खेल रहे हैं अच्छे का, मतलब लोकल जो क्रिकेट क्लोज होते हैं उसमें खेल रहे हैं, ये ऐसा माहौल है। और मैं जाने से पहले भाई गन्ने का जूस पीना चाहता हूँ, यह गन्ने का जूस यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से गन्ने का जूस पीता हूँ फिर निकलता हूँ। हाँ तो भाई साहब मैं आ गया हूँ क्रिकेट स्टेडियम, जरा लोग क्रिकेट प्रैक्टिस देखें। मुझे लगता है कि यहाँ में से जो कोई खेल रहा है एक बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अफगानिस्तान के लिए खेलेगा, क्या पता नहीं अभी IPL में यहाँ से कुछ लोग खेलना स्टार्ट कर दे। यहाँ से ये लोग दिख रहे हैं, ये कुछ ऐसा क्रिकेट स्टेडियम है भाई, मतलब स्टेडियम तो नहीं बोलूंगा, ये प्रैक्टिस करने के लिए जगह है। सर पटना में मोइनुल हक स्टेडियम है ना, अब प्रैक्टिस करने के लिए जगह होती है, क्योंकि वो छोटा सा स्टेडियम, अगर बात करें तो क्रिकेट के नजरिए से बात करें तो बहुत छोटा स्टेडियम है। भाई ये गेंद मुझे भी खेलने दो तो यार, पूछता हूँ भाई साहब खेल ले दोगे क्या? MRF के बल्ले से वो खेल रहे हैं, वो भाई साहब बहुत तेज गेंद खेल रहे हैं यार। ओहो, आपको क्रिकेट में कौन सा बल्लेबाज पसंद है इंडिया का? हमारे विराट कोहली का। विराट कोहली का, अच्छा अच्छा। आप हिंदी है? हाँ मैं हिंदी हूँ, बहुत अच्छा। ओ भाई
गुड बॉलिंग यार, बॉलिंग वगैरह चल रहा है यार। लोग अलग अलग जर्सी में खेल रहे हैं, ये कौन सा जर्सी है भाई? पेशावर की जर्सी में खेल रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया की जर्सी में खेल रहे हैं, मैं इंडिया का जर्सी लेके आऊँ क्या? कोई इंग्लैंड की जर्सी में खेल रहे हैं। पढ़ाई यहाँ पे सही हिसाब किताब है। यहाँ पे सारे लोग भाई कोहली को बड़ा पसंद करते हैं, इतना मुझे समझ में आया है। खेलो भाई, खेलो खेलो। क्या हाल है भाई? ठीक है ठीक है। कहाँ से हो आप? जलालाबाद? मैं हिंदुस्तान। ब्रदर है। ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया में कौन सा क्रिकेटर पसंद है आपको? कोहली। पांड्या कोहली। पांड्या कोहली, हाँ अच्छा अच्छा बस। और अफगानिस्तान में रशीद खान? राशिद खान हो सीनियर। सीनियर और गुरबाज। गुरबाज अच्छा अच्छा अच्छा। ये भाई बड़ा तेज गेंद खेल रहे हैं, मैं मन तो कर रहा है एक बार एक दो गेंद खेल लूं यार, बट मैं गली मोहल्ला वाला क्रिकेट वाला बल्लेबाज, मैं यहाँ कहाँ खेलूं इंटरनेशनल लोगों के साथ क्योंकि मुझे लग रहा है बड़ा तेज गेंद कर रहे हैं ये लोग। ऐसा है भाई। और यहाँ से कौन कौन है? यहाँ से मोहम्मद नबी, यहीं से भाई। ये पूछ रहा था कि यहाँ से अफगानिस्तान के लिए जलालाबाद से कौन कौन क्रिकेटर है? जलालाबाद के अफगानिस्तान टीम क्रिकेट प्लेयर जलालाबाद से मैदान है। जलालाबाद से कौन कौन क्रिकेटर यहाँ पर है? इधर शकुला शफक भी है। नहीं नहीं, जलालाबाद से टीम मिली रहे नहीं अफगानिस्तान टीम प्लेयर इसकी कदम कदम से जलालाबाद से नबी है। हाँ शहजाद। शहजाद उस्मान गनी। उस्मान गनी। गुरबज भी है। आप इंग्लैंड से हैं? नहीं मैं तो पाकिस्तान से। तो इंग्लैंड के जर्सी से खेल रहे हैं? ये मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? इंडिया का अच्छा नहीं लगता? वो भी अच्छा लगता है। हार्दिक पांड्या भी फॉरवर्ड है हमारा। अभी हार्दिक और विराट कोहली फेवरेट है आपका? और पांडे और केएल राहुल वगैरह नहीं? वो तो इतने नहीं। इतना नहीं? आप ये ऑलराउंडर है ना। अच्छा अच्छा। इंडिया की किंग है वो मिस धोनी है। धोनी है? हाँ मिस धोनी। धोनी मेरे 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 स्टेट से है। वो तो ऐसी है ना झारखंड बिहार की दावे पाकिस्तान सबको। शुक्रिया भाई। एक दो गेंद मैं खेल लूँ क्या? अगर इजाजत दो तो। कुछ नहीं रहा मुझे, उतना ज्यादा खेलने नहीं आता फिर भी खेल लूँ। खेल लूँ ओके भाई साहब, खेलने के लिए दे रहे हैं। ओ तुम बहुत अच्छी कहनी है तुम्हारी। गुगली बाल करो भाई जान। गुगली मास्टर ये तो गुगली है। मैंने मतलब पता नहीं 5-6 साल से क्रिकेट नहीं खेला, बट गली भाई खेलता था। ठीक है मारो। गुड है। हमारी खेल खत्म हुआ। आप खेलोगे भाई? एक बॉल टच हो गया, बहुत बड़ी बात। धन्यवाद, शुक्रिया भाई जान। शुक्रिया। चलो खेल खत्म हुआ। अगर सच नहीं हो रहा था। अरे आप भी खेल रहे क्या? चलो ये लैपटॉप है क्या? हाँ। अरे भाई ये ना तो ज्यादा, अरे आउट ही हो गया ये तो। ओ भाई भाई मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ काइंड ऑफ इंडिया की बेइज्जती करवा के जा रहा हूँ क्या? जिस हिसाब से मैंने शॉर्ट्स के लिए, मुझे अभी तक उस बात का खेद है कि कुछ अच्छे से लगे नहीं, बट चलो कोई बात नहीं। उनको पता है कि मैं विराट कोहली थोड़ी हूँ। विराट कोहली तो था तो मैं अफगानिस्तान में यहाँ घूम थोड़ी रहा था। मैं नॉर्मल बंदा हूँ। ये लोग खेल रहे थे क्रिकेट, मस्त है भाई ये वाला। कुछ लोगों से भाई और मिल गया ये लोग। आप क्या नाम है भाई? मेरा नाम खलील। खलील है ना आपका नाम? आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे आए हो? अच्छा अच्छा। इंडिया का कौन सा खिलाड़ी पसंद है आपको? इंडिया का कौन सा खिलाड़ी पसंद है आपको? हमारी पसंद ये रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अच्छा। चलो किसी ने रोहित शर्मा का तो नाम लिया, रोहित शर्मा अच्छा। अभी अफगानिस्तान के साथ इंडिया का मैच हुआ था, आपने देखा था? ज्यादा नहीं देखा हूँ। हाँ बट थोड़ा थोड़ा सा देखा। अफगानिस्तान उसने हार गया था इंडिया से। हाँ हार गया था। बट पाकिस्तान का आपका मैच अच्छा हुआ था? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वो भी अच्छा मैच। अच्छा मैच था। हाँ ओ भाई ये कैच आउट लग रहा है।
तो भाई क्रिकेट स्टेडियम से बाहर आ गया हूँ, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सिटी, जलालाबाद की सिटी। हालांकि ये जो सिटी है ये पाकिस्तान बॉर्डर के काफी पास पड़ता है, यहाँ से पेशावर काफी नजदीक हो जाता है, और इसलिए यहाँ पे आपको ऑटो देखने को मिलेगा भाई ज्यादा। भाई यहाँ पे टुक टुक ऑटो जो बोलना है आप बोलो, अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग चीजें बोलते हैं, बट इंडिया में टुक टुक ऑटो बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि काफी सारे ऑटोज हैं, यहाँ पे इतनी ज्यादा टैक्सी नहीं है, मोस्टली यहाँ पर ऑटोज हैं, इस तरह के ऑटोज हैं, उस तरह के ऑटोज हैं, पता नहीं ये पाकिस्तानी ऑटो है इंडियन ऑटो मुझे खुद नहीं पता, बट ये सारे ऑटोज हैं। पाकिस्तान में भी ऑटो चलता है, बट अफगानिस्तान के इस वाले पार्ट में सिर्फ ऑटो देखा मैंने, क्योंकि मैं काबुल वगैरह में आपको ऑटो नहीं मिलेगा, तो फिर इस वाले पार्ट में ही मैंने ऑटो देखी। पता नहीं यहाँ पे एक इंडियन पाकिस्तानी चाय भी मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो थोड़ा सा ढाबा लग रहा है, रोड साइड ढाबा। तो भाई क्रिकेट स्टेडियम के बाद मैं आज एक काइंड ऑफ रेस्टोरेंट में, यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्रेकफास्ट प्लस लंच किया, तो ब्रंच बोल लो। ये कुछ यहाँ पे ऐसा माहौल है भाई जो दिख रहा है अभी, काफी मतलब ये सिटी भाई पीपी काफी ज्यादा कर रहे हैं, तो लाइक ये बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान से लगता है, मुझे लगता है काइंड ऑफ पाकिस्तान ऐसा ही दिखता होगा जब मैं इस चीजों को देखता हूँ, ये ऐसा कुछ दिख रहा है। और भाई साहब ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हो भाई? क्या है ये? चबली कबाब है। चबली कबाब है, अच्छा अच्छा, बहुत ही देखने में तो अच्छा लग रहा है, बट पता नहीं तो खा लिया ना। हाँ हाँ, किस तरह का? अच्छा ही था, चबली कबाब अच्छा कबाब है, बहुत अच्छा कबाब है, दूर से लोग आते हैं। अच्छा अच्छा, जो इस तरह देखो बना रहे हैं ये फिलहाल रेस्टोरेंट था जहाँ पे मैं खा रहा था, और यहाँ पे पैसे वगैरह एक्सचेंज होते हैं। भाई क्या रेट है डॉलर का, क्या रेट है 100 डॉलर का, क्या कितना मिलेगा 100 डॉलर में, कितना मिलेगा? 8,800। और पाकिस्तानी रुपए में 17,000, 18,000, 20,000, 243 का रेट चल रहा है भाई, तो पाकिस्तानी रेट का जो प्राइस है वो बहुत ही बेकार लग रहा है फिर तो, अगर 243 मिल रहा है तो मतलब एक डॉलर का भाई बहुत, मैं फिर तो ये बहुत ही ज्यादा हुए हैं। डिफरेंट करेंसी, पाकिस्तान करेंसी, अफगान करेंसी, भाई 3 गुना स्ट्रांग है पाकिस्तानी करेंसी से तो वाह। भाई अभी मैं आपको उदाहरण बताता हूँ इंडिया और पाकिस्तानी होने का, यहाँ पे डिफरेंस। सो अभी मैंने यहाँ पर पैसे चेंज करवाए थे, राइट, मतलब मैंने पूछा था उसके बारे में कि क्या रेट है, एक डॉलर का क्या रेट है, तो फिर मैंने पाकिस्तानी रुपए नहीं पूछा, जस्ट फॉर इंटरेस्टिंग, जस्ट कि मुझे पता करना था कि क्या रेट चल रहा है, मैंने पूछ लिया, उनको लगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ये वजह मैं पैसे चेंज करवाने के लिए गया तो मैंने 100 डॉलर दिया, बोले कि भाई मुझे सारे नोट नहीं दो, तो अभी भाई रेट है 8,850, तो मतलब 8,850 8,850 का रेट है। तो मैंने कहा एक काम करो, मैं आपको 150 देता हूँ, आप मुझे नोट दो 9,000 दो, बट मुझे सब नए नोट चाहिए, तो मैंने सब नए नोट दे दिए, उसने सब नए नोट दिए, जब जो मैंने जो डेट मुझे छुटा देना था ना वो पुराना नोट था, तो उसके बाद उन्होंने कहा तुमने मुझे पुराना दिया, मैं तुम्हें नया दिया, मैं नहीं लिया, फटा हुआ सा नोट था नहीं लिया उसने। फिर फराद भाई ने बताया कि ये इंडियन है, अच्छा इंडियन है, फिर उन्होंने मुझे बोला नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या है भाई यू लाइक इंडियन, पाकिस्तानी नो या ये भाई यहाँ पे चक्कर है, पाकिस्तान बॉर्डर के पास लोग पाकिस्तानी को लाइक नहीं कर रहे और इंडियन को लाइक कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे भाई, सब कुछ ठीक है, इंडिया सब ठीक है, ये चल रहा है। बस ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्या है भाई ये पनीर है, पनीर है, थोड़ा ट्राई करके देखूं, थोड़ा सा देना, थोड़ा सा, कौन सा पनीर है ये, सॉल्टी पनीर है, ट्राई करो, नमक इसमें नमक है, इंडिया में नमक बहुत कम रहता है, क्या हो गया बच्चा, सब ठीक है बच्चा, हिंदी आती है, नहीं आती ना भाई, सिखा दूंगा मैं। और भाई ये देखो तुम चिकन मिल रहा है एकदम मस्त, बहुत ही बड़ा मुर्गा है यहाँ तो, कितने का मुर्गा है, एक 300 वाह सही है भाई, अच्छा लग रहा है देखने में, शानदार। अफगानिस्तान भाई साहब का हिंदुस्तान, मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, क्योंकि मैं पास पाकिस्तान बॉर्डर के पास हूँ,
यहाँ पे मैंने लगता यहाँ पे जब लोग सोचते हैं पाकिस्तान में पेश नहीं आते नहीं आते हैं और जैसे ही आ जाए तुम इंडिया और फिर दोबारा अपना रूप बदल देते हैं मतलब भाई एकदम इच्छाधारी नागिन की तरह एकदम जो बोलने का तरीका सब कुछ बदल जाता है एकदम एक मिनट में एक सेकंड में क्योंकि यहाँ पे बहुत सी बार पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है ये ना तो मोस्टली यहाँ पाकिस्तान ही आते हैं तो अब जैसे ही मैंने बोला मैं इंडियन हूँ तो पाकिस्तान को नया भी दिया नया भी मैंने बताया इस बात को हाँ तो लाइक क्योंकि लोगों को लगता है कि पाकिस्तानी के लिए मैं हिंदी उर्दू बात कर रहा हूँ और दूसरी बात पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास है उसके बाद मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ मैं इंडियन हूँ उसके बाद वो जो पेस आते हैं मेरे से मतलब 10-50 गुना अच्छा पेस आते हैं तो यहाँ लोगों से बहुत प्यार करते हैं अफगानिस्तान ये बात है भाई वही इधर नहीं तुम अगर अफगानिस्तान में किधर जाओ तो इंडियन हो तो तुम्हारा वो तुमको अपने आगोश मिलेगा हाँ और तुझे प्यार इज्जत करेगा इज्जत करेगा बहुत ज्यादा हमारा और इंडिया का दोस्ती बहुत पुराने से है और कभी भी ऐसा काम नहीं हुआ है कि अफगानिस्तान और इंडिया में बीच कोई वॉर चल रहा हो या हाँ ये बात है भाई बुरा बात चल रहा है बात लेकिन बात मैं अगेन बोलना चाह रहा हूँ कि लाइक मैं इस उसको कभी एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं जो भी बोल रहा हूँ जो अपनी नजरों से देख रहा हूँ जो समझ रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि ये डिफरेंस रियली है इंडिया और पाकिस्तान में खास करके अफगानिस्तान में ये है अलग देशों में कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंडिया से हो पाकिस्तान से हो बट यहाँ अफगानिस्तान में फर्क पड़ता है कि आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से क्योंकि वो ना चेंज रहता है तो किसी से भी मिलता हूँ सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैं इंडियन हूँ या पाकिस्तानी नहीं हूँ और भाई ये काइंड ऑफ ऑल्सो मार्केट है यहाँ पे कुछ स्ट्रीट फूड मिल रही है स्ट्रीट फूड में क्या मिल रही है ज़्यादा देखा जाए क्या मस्त खाना है भाई यहाँ पे भाई क्या मिल रहा है ये क्या है ये हाँ ये दही बाड़ा है क्या इधर देखूं बल्ले बल्ले हाँ दही बाड़ा बल्ले बल्ले अच्छा अच्छा इंडिया में ऐसा कुछ नहीं मिलता है इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है नहीं नहीं सब जहाँ से नहीं मिलता है अच्छा मेरी काम अच्छा सिर्फ आपका ही है अच्छा अच्छा मेरे अफगानिस्तानी अफगानिस्तानी का है अच्छा इंडिया में आओ बेचने के लिए इंडिया आप आओ इसको बेचने के लिए इंडिया के वायरस खास का मेरी मुल्क है मेरे साथ अमेरिकी से वीजा जाएगा मैं नहीं जाएगा नहीं करने भाई ओ ठीक है सर करने या नहीं करने क्या कर रहे थे भाई काम है भाई हमने मेरा तो मैंने तोड़ दिया ये बिस्मिल्लाह मेरे साथ दर्द ही मिल बिल्कुल दर्द मर खाते मिल सब बाद में भाई कही बाद में शुक्रिया पेट भरा हुआ है भाई जान कितने हुए इसके कितने पैसे हुए पैसे पैसे नहीं थोड़े से ले लो यार नहीं पैसे अच्छा बात करने बिल्कुल भाई खुश है शुक्रिया भाई जान तो भाई इन्होंने अब बोला खा के जाना पड़ेगा ऐसे बिना खाए तो जा नहीं पाओगे ये देखो ये बना रहे हैं शुक्रिया भाई जान क्या है बच्चा भाई मुझे भूख तो नहीं लगी थी थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया काफी अच्छा लगा भाई ये फिर मैंने बच्चे को दिया बच्चे खा लेगा खा लो बच्चा ठीक है और यहाँ पे कुछ बिरयानी टाइप की मिल रही है ये बिरयानी है अरे भाई हाँ ये खरीदता हूँ मैं इसमें से मुझे कौन सा कलर अच्छा लगेगा ये वहाँ की टोपी है खंदार की टोपी है ये तो भाई मैंने ये खरीद ली एक और टोपी खरीद ली 100 अफगानी का मिला ये टोपी ठीक है मतलब एक फराद भाई ने भी खरीद लिया मुझे अच्छा लग रहा है लग रहा है हाँ हाँ अच्छा लग रहा है आप भी तालिबान बन गए मैं भी तालिबान बन गया दो नए तालिबान ज्वाइन हो चुके हैं तालिबान में नहीं ये सिर्फ तालिब लोग इसको नहीं पहनते हैं अच्छा ये कंधार में एक ऐसा जगह है हाँ अगर पहली लोगों प्रेजेंट भी था हाँ उस जमाने में ये लोग वहाँ पहन देते थे अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अच्छा क्या है भाई ठीक है तो खैरियत अच्छा अच्छा क्या बोल रहा था मैं
और अभी मैं आया था तो वहाँ पे तालिबान भाई साहब थे, उन्होंने कहा पासपोर्ट दिखाओ। मैंने पासपोर्ट दिखाया, इंडियन पासपोर्ट, उर्दू उनको आती थी अच्छी, उनको हिंदी उर्दू अपना पासपोर्ट दिखाया। मैंने कहा भाई साहब कल मैं दिन भर रहा हूँ वहाँ पे, परमिशन ले लिया मैंने, आज कुछ नहीं बोल सकता कोई। फिर चला गया, मतलब मैं आज मैं भाई एकदम पूरा निडर वीडियो बना रहा हूँ। सच कहूँ तो आज सच में लग रहा है कि मैं डर के वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कि भाई कल इतने टाइम मैंने जेल में गुजारे और मैंने बताया कि भाई ये बात है, मैं यहाँ पे जेन्युइन बनता हूँ, मैं किस काम से यहाँ पर आया वो काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं कोई स्पाय वगैरह नहीं हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं जो काम से है वही काम कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो फिर उन्होंने उसको बताया, मैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब वीडियो बनाने में थोड़ी सी मुझे आसानी हो रही है। भाई मैं वहाँ से जा रहा था, उन्होंने मुझे रुपीज दिखा, ये 500 रुपीज का नोट है, पुराना वाला नोट। भाई ये नोट दोगे क्या? दे दोगे फ्री में? इंडिया का है बट ये नोट अब वैलिड नहीं है इंडिया में। इंडिया ने दे दोगे मुझे? आप कितने पैसे दूं? कुछ नहीं सच में। शुक्रिया भाई जान, शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। ओ भाई आज हालांकि ये एक कुछ नहीं है, आज मैं इसको इंडिया में कुछ कर नहीं सकता, ये नोट अब वैलिड है ही नहीं दुनिया में, बट भाई उन्होंने ये मुझे नोट दे दिया 500 रुपए का। ये नोट भाई अब आपको पता ही है भाई क्या मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट यार ये नोट मुझे उन्होंने दे दिया, इसमें तो कुछ नहीं कर सकता इस नोट का मैं। कागज का पन्ना है, इसको इसी तरह यूज होगा ये नोट अब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जान का। तो भाई यहाँ से निकलने का समय आ गया जलालाबाद से, काफी अच्छे लोग थे ये भाई साहब। आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम है आपका? कुलजादा। उन्होंने अनार दिया मुझे, अनार खा रहा हूँ। शुक्रिया भाई जान, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये है जलालाबाद की गलियाँ, ऐसी दिखती है कुछ जलालाबाद की गलियां। फ्लाइट वही पहले यहाँ पे आती थी शायद, अब आना बंद हो गई है, तो फिर काबुल से फ्लाइट होगी मोस्टली। आई थिंक यहाँ फ्लाइट एयरपोर्ट यहाँ पे शायद नहीं है, क्योंकि नहीं है, है? जलालाबाद में, अच्छा मेमना में, मजार में, रास में, अच्छा एयरपोर्ट है तो अच्छी बात है। यहाँ सा व्यू दिख रहा है भाई यहाँ से। इस बार एरिया में गर्मी ज्यादा है कम्पेयर टू अफगानिस्तान में, सिवाय जलालाबाद की गर्मी है। अच्छा भाई मुझे लगा था कि यहाँ पे पाकिस्तानी वगैरह ऑटो होंगे, बट ये काइंड ऑफ पाकिस्तानी स्टाइल है, बट वो जो स्टाइल है वो इंडियन स्टाइल है। और मैंने देखा टीवीएस का था, टीवीएस और बजाज का, तो टीवीएस बजाज का भी यहाँ पे स्कूटर बोल रहा हूँ, ऑटो टेम्पो, तो यहाँ पे ऑटो टेम्पो यहाँ पे मिल रहा था। जलालाबाद गर्मी के लिए फेमस था, सबसे गर्म जगह नहीं थी भाई। आज टेम्परेचर चला गया है 33 डिग्री सेल्सियस, और ये फरहत भाई का शीशा खुलता भी नहीं है। नहीं वो रास्ते में खराब हो गया भाई, रास्ते में खराब हो गया रास्ते में, क्योंकि आप अगर हम जाए बस देख के आपको समझ आता है कि क्यों खराब हो गया। क्यों खराब हुआ? चलो चलते हैं भाई। काबुल के लिए जलालाबाद से फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। मेरा इंस्टाग्राम है भाई नॉमेड शुभम, अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। रशिया के भी अब बहुत खिलाफ है अफगानिस्तान लोग, क्योंकि रशिया ने भी इधर काफी तबाही मचाई है, तो इसी वजह से वो इतना इग्नोर ही करते हैं, और करना चाहिए उस चीज को, और ना ही साथ लेकर आना चाहिए। तो बिल्कुल अच्छा फैसला है, क्योंकि ये मतलब के पठान होते हैं, दिमाग वगैरह खाली होता है, तो पता नहीं ऐसी चीजें कर देते हैं, लेकिन ज्यादती नहीं करते, लेकिन कुछ होते हैं लोग ऐसे वाकया हो जाता है, तो फिर वो आप अच्छा नहीं, मुहतात रहना चाहिए। बात करें तो बिल्कुल जो है ना वो अफगानिस्तान के लोग पता नहीं क्या उनको रीजन है, हालांकि आप देख लें जो भी यहाँ पे चीजें हैं, कुछ अगर रक्षे देख लें, कारें देख लें, उसमें बहुत सारी जो इधर पाकिस्तान में चल रही होती हैं वो है, एक दूसरे के साथ ये चलते रहते, स्मगल करते रहते हैं। लेकिन तो गाइस आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, एंजॉय किए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और ऐसे ही किसी भी वीडियो का मिक्स सेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस वीडियो का मिक्स सेक्शन आपके लिए जल्दी इस चैनल पर ले आऊंगा। मिलता हूँ आपसे एक और नए मिक्स सेक्शन वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय गाइस।